वेलकम बैक टू एनके बायोलॉजी क्लास। आई एम आवर एजुकेटर निकिता करगेती। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट किंगडम माइकोटा। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम माइकोटा के बारे में। हम इसे किंगडम फंजाई भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। सो ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स होते हैं, दैट मीन्स इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, क्योंकि जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स होते कहते हैं। सो हम कह सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक ये क्या होता है, यूकैरियोट्स होते हैं। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि ये क्या होते हैं, इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है सो इसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। एंड जो किंगडम फंजाई है ये क्लोजली रिलेटेड होती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की। इसके बाद आते हैं हम सेल वॉल पे। तो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल बनी होती है काइटिन की एंड ग्लूकेंस की। सेल वॉल बनी होती है काइटिन एंड ग्लूकेंस की। और ये सेल वॉल होती कैसी है? ये सेल वॉल होती है रिजिड। इसके बाद हम अगर बात करें, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थैलस। आखिर थैलस कहते किसे हैं? थैलस क्या होता है, जब ग्रोथ क्या होती है, हॉरिजॉन्टली होती है। मींस इस तरीके की जब ग्रोथ ऊपर की तरफ होती है तो वर्टिकल ग्रोथ कहलाती है। अगर ग्रोथ के है इस तरीके से हो सो ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ कैसी हो, हॉरिजॉन्टली हो, तो हम उसे थैलस कहते हैं। सो थैलस कैसा होती है, वेजिटेटिव बॉडी होती है थैलस की। थैलस के बाद आता है हाइफी। हाइफी किसे कहते हैं? जो हाइफी होता है, कोई हमने फंजाई ली, फंजाई से स्पोर्स कहाँ गिरे, सॉइल में गिरे। तो सॉइल में गिरने के बाद सॉइल के ही अंदर क्या होगा, सॉइल क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवीज़न स्टार्ट करेगा। सो फर्स्ट जब इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है सिर्फ और सिर्फ, सो ये कहलाता है प्रोटोनेमा। इसी स्ट्रक्चर से कुछ इस तरीके से ब्रांच निकल जाए सो ये स्ट्रक्चर कहलाता है हाइफी। जब इस तरीके की ब्रांच निकल जाए, ये नीचे को भी निकल सकती है, ऊपर को भी निकल सकती है, सो ये कहलाता है आपका हाइफी। सो जो आपका हाइफी है, हमने कहा कि हाइफी क्या कहलाया, तो एक लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर क्या कहलाया आपका, हाइफी कहलाया। इसके बाद आते हैं हम माइसीलियम में। माइसीलियम क्या हुआ, जो स्पोर जिसने हाइफे बनाया, सो हम क्या कह रहे हैं, जो भी इंटायर स्ट्रक्चर बनाता है उसके फंजाई की बॉडी का, जो इंटायर स्ट्रक्चर बनाता है वो क्या कहलाता है आपका, माइसीलियम कहलाता है। माइसीलियम के बाद हम बात क्या करेंगे, हमने पहला हमने देख लिया कि थैलस क्या होता है, हाइफे क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है। उसके बाद आता है पॉइंट सेप्टेट। सेप्टेट क्या होता है, जो हाइफे होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसेप्टेट, एक होता है सेप्टेट। जब हम कह रहे हैं कि हाइफे में क्या हो जाए, सेल डिवाइड हो जाए, हर एक सेल बनी, वहीं हाइफे में दूसरी सेल, तीसरी सेल, इस तरीके से सेल्स का डिवीज़न हो जाए, सो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका सेप्टेट। और अगर वो डिवीज़न नहीं हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एसेप्टेट। और उसमें जिसमें डिवीज़न नहीं हुआ है, न्यूक्लियस बिखरे हुए हैं उसमें, सो हमको हम उसको क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स कहते हैं। सो ये था उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आते हैं उसके रिप्रोडक्शन पे, कि कैसा रिप्रोडक्शन होता है। सो अगर हम इसके बात करें, टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद अब हम देखते हैं इसके स्पोर्स क्या कैसे होते हैं। अगर हम इसके स्पोर्स की बात करें तो टू टाइप्स के हम स्पोर्स कह सकते हैं, माइटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स। अभी माइटो एंड मियोस्पोर्स क्या है, आपने माइटोसिस एंड मियोसिस सुनी होगी। जब क्या हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसमें क्या होगी, मियोसिस की, माइटोसिस की प्रोसेस होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उसमें क्या हो रही है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं माइटोस्पोर्स, क्योंकि मियोसिस की प्रोसेस हुई तो जो अब स्पोर्स बने तो हम उन स्पोर्स को क्या कह रहे हैं, माइटोस्पोर्स। वहीं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर जो स्पोर्स बन रहे हैं हम उन्हें उन स्पोर्स को क्या कहेंगे, मियोस्पोर्स। सो आई थिंक आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। कल हम इसमें इससे ही रिलेटेड आगे को बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।